सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। ओके गाइस, सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कुछ इसी तरह के थंबनेल यानी कि पोस्टर आपको बना के दिखाने वाले हैं आदिवासी सॉन्ग के लिए। ओके, आप किसी भी टाइप के थंबनेल बना सकते हो। ओके, तो काफ़ी सिंपल तरीका बताऊंगा और आसान, और एक ही ऐप से आपको बना के दिखाऊंगा। और जो दूसरे यूट्यूबर देखे होंगे आपने काफ़ी सारे वीडियोस, उनमें दो तीन ऐप से बना के दिखाते हैं। ओके, तो फाइनली मैं एक ही ऐप से आपको बना के दिखाने वाला हूँ, और पिक्सल लैब ऐप। ओके, ऐप की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो भी मटेरियल यूज़ करता हूँ सभी की लिंक मैं टेलीग्राम पर ही डालता रहता हूँ। ओके गाइस, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर पूछ सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके गाइस, तो बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना। सो फाइनली मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप पिक्सल लैब को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइस, मैंने ये वाला बनाया था, देख सकते हो। आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं ये वाला, देख सकते हो जो पोस्टर है सामने। सो मैंने इसे लॉक कर लिया हूँ, यहाँ से आपको दिखाने के लिए एक बार ऑन लॉक कर लेता हूँ। जो देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वाला, यही आपको बना के आज हम मतलब इसी तरह का पोस्टर आज हम आपको बना के दिखाने वाले। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। ओके गाइस, सो फाइनली पोस्टर बनाने के लिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जैसे ओपन करोगे तो न्यू टेक्स्ट लिखा है, इसे डिलीट कर देना। ऊपर डिलीट का ऑप्शन देख सकते हो ये वाला, यहाँ से इसे ओके कर लेना। इसी तरह से डिलीट हो जाएगा, देन ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इमेज साइज सेलेक्ट करना है। सो यूट्यूब थंबनेल साइज अपने को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे YouTube चैनल बैनर भी है और YouTube थंबनेल आपको ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों की सेम साइज़ है। बट मैं YouTube थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से ओके करने के बाद अब अपने को यहाँ पे बैकग्राउंड सिलेक्ट करना। ओके, सो थ्री डॉट पे क्लिक करना, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी सबसे ऊपर वाला, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे अपने सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। ओके, बैकग्राउंड की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन नहीं करे हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो गाइस फाइनली मैंने इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया हूँ। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद अपने को अब यहाँ पे सिंगर की फोटो सिलेक्ट करना है, प्लस पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ओके, सो मैंने पहले से इनका जो बैकग्राउंड रिमूव करके रखा हूँ, अगर आपको रिमूव करते नहीं आता है तो वेबसाइट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो क्रोम ब्राउजर से। ओके, सो फोटो को इससे सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, और सेकेंड फोटो फिर से फ्रॉम गैलरी में जाना, और इस मॉडल की इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया हूँ। देन इसे भी अच्छे से यहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसे बनाना चाहते हो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। देन ये वाला बीच वाला ऑप्शन देख सकते हो, तो नीचे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और इसे यहाँ पे टू बैक कर लेना। ओके, इस तरह से करने के बाद इस तरह से यहाँ पे कर लेना। इतना करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे, देन दोनों फोटो को यहाँ से लॉक कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जो ब्लैक शेडो होता है वो वाला ऐड करना है, तो ये शेप का ऑप्शन देख सकते हो, इस शेप पे सिलेक्ट करना है और इस शेप को पूरे यहाँ पे अपने बैक थंबनेल पे लगा देना इस तरह से। ओके, इतना करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, ये कलर ग्रेडिएंट का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, देन राइट पे टिक कर लेना है। थोड़ा सा शेडो आ चुका है देख सकते हो, देन ये रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन में आने के बाद ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है, तो जो फाइनली होता है शेडो आ गया। अब इस शेडो को अपने को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो यहाँ से इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ। ओके, कुछ इतना रखूँगा। अब इसे भी यहाँ पे लॉक कर लेना है, यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसे लॉक कर लेना इस तरह से। ओके, सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, अब इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे जो सॉन्ग का टेक्स्ट होता है वो लिखना है। ओके, तो न्यू प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है, डबल टाइप करना है, इसे डिलीट करने के बाद यहाँ पे अपने को लिखना है। ओके, सो मैं थोड़ा सा सिंपल वाला फॉन्ट ही लूँगा, अगर आपको स्टाइल से फॉन्ट लेके दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर आपने अभी तक जो स्टाइल फॉन्ट है वो डाउनलोड नहीं किए हो तो उस वीडियो को जाके देख लेना, चैनल पे मैंने पहले से बना के अपलोड कर दिया, कल ही अपलोड किया था, उस वीडियो को जाके जल्दी से चेकआउट ज़रूर कर लेना। ओके, वहाँ से फॉन्ट डाउनलोड कर लेना। अब ओके कर लेना है, देन जो ए वाला ऑप्शन है उस पर आना है और इधर स्क्रॉल करना है, ए भी फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, देन यहाँ से फॉन्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करना, ओके कर लेना। ओके, सो इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे से पेंसिल पे क्लिक करना, कॉपी कर लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा सा अपने को लिखना है। ओके, तो इस पर डबल टाइप करना है और जो आगे का पार्ट होता है वो रिमूव कर लेना, तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से करने के बाद ओके करना है और इसे यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करना है, और
फिर से एक बार और कॉपी करना है, डबल टाइप करना है। अब जो आगे का पार्ट है उसे रिमूव कर लेना है, मतलब थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से किस जैसा बनाना चाहते हो वैसा भी दे सकते हो। ओके, तो फाइनली इसे ओके कर लिया। अब इसको एक बार और करना है, इस तरह से कर लेता हूँ। ओके, अब ओके कर लेना है। इतना करने के बाद अपने को अब इसे यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से थोड़ा टाइम देके एडजस्ट कर सकते हो। मैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। ओके, इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब अपने को यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन में जाना है, इधर स्क्रॉल करना है, ये कलर्स का ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे आना है और ये वाला कलर सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। अब इधर आना है, इधर स्क्रॉल करने के बाद स्टॉक को इनेबल कर लेना है दोनों टेक्स्ट में इस तरह से। देन फिर से इधर स्क्रॉल करोगे तो ये 3D वाला ऑप्शन होता है, उसे इनेबल कर लेना है। देन इस तरह से इसे थोड़ा करना है और इनको सबको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट मैं इनको सबको फुल कर देता हूँ। ओके, इसे भी यहाँ पे इसे भी इनेबल करना है और इस तरह से कर लेना है थोड़ा सा, और इनको सबको इस तरह से फुल कर लेना। आप अपने टेक्स्ट के हिसाब से भी कर सकते हो। अब जो सफ़ेद वाला कलर है उसमें आना है, इधर स्क्रॉल करना है, स्टॉक को इनेबल करना है और इसमें भी सही इनेबल कर दूंगा। ओके, इस तरह से आप अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते हो। इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे जो पीछे का जो ब्लैक बैकग्राउंड होता है, वो ब्लैक बैकग्राउंड देने के लिए अपने को यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जूमिंग का ऑप्शन होता है। ओके, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे यहाँ पे जूम कर लेना है, इस तरह से देख सकते हो जूम हो गया। अब इस तरह से जूम कर लेना है जो टेक्स्ट लिखा उस पे, और फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है पीछे का बैकग्राउंड, और ये ड्रॉ का ऑप्शन देख सकते हो, ड्रॉ पे क्लिक करना है और इधर स्क्रॉल करने के बाद जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड होता है वो सिलेक्ट कर लेना। ओके, सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा प्लस पे क्लिक करूँगा तो जो बड़ा हो जाएगा 20। आप अपने हिसाब से कैसे भी अब यहाँ पर ड्रॉ करना है, थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा मतलब जल्दी से ड्रॉ कर रहा हूँ तो सही से नहीं होगा, बट आपको टाइम इसको थोड़ा सा टाइम देके अच्छे से कर लेना। ओके, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, जो अपना टेक्स्ट लिखा होती उसी पे ड्रॉ करना। ओके गाइस, सो इस तरह से आपको भी इतना ड्रॉ करने के बाद अब अपने को यहाँ पे राइट पे टिक कर देना। ओके, सो राइट पे टिक कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद अपने को यहाँ पे फिर से इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस तरह से फिर से इसे जूम आउट कर लेना। ओके, इस तरह से करना है। अब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ 3 डॉट देखते हैं, इधर इस तरह से इसको पकड़ के टेक्स्ट के नीचे ले आना है। सो देख सकते हो फाइनली जो कलर आ चुका। काफ़ी सारे बंदे ने मुझे कमेंट में भी पूछा है यही वाला जो नहीं आ रहा था, तो फाइनली अच्छे से इसे कर लेना। ओके, इतना करने के बाद अब अपने को यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस वाला ऑप्शन पे क्लिक, पहले तो इनको राइट टिक करना है इस तरह से 3 टेक्स्ट को। ओके, जो टेक्स्ट लिखे होते उनको, और इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके कर लेना है। सो ये एक हो जाएगा। अब इतना करने के बाद इधर स्क्रॉल करना है और ये स्टॉक को इनेबल कर लेना है। सो स्टॉक को इनेबल करने ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना थोड़ा सा इस तरह से। अब ये एक बन चुका है, इनको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओके गाइस, सो गाइस इतना करने के बाद अब अपने हिसाब से आप यहाँ पे जो कुछ लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। सो फाइनली मैं यहाँ पे आपको सिंगर का नाम लिख के दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे लिख लेना है सिंगर, इस तरह से लिखने के बाद ओके करना है और यहाँ पे फॉन्ट ए वाला ऑप्शन में आने के बाद इधर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करना है अपने को ये वाला, ओके कर लेना है। तो इसे मैं थोड़ा सा यहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ और अब थोड़ा सा नीचे लिखना है इनका नाम, तो यहाँ पे डबल टाइप करना है उसे महेश डावर। ओके, सो मैं लिख लेता हूँ महेश डावर, देन ओके कर लेना है इस तरह से। देन इसे राइट पे टिक कर लेना है। सो गाइस, इसी तरह से आप मतलब बना सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, बट आपको मैं इससे ज़्यादा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।